गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वार्म अप। सप्लाई सुटेबल सब्जेक्ट टू दिस प्रेडिकेट। यू जस्ट हैव टू पुट एनी सब्जेक्ट हियर। यू कैन पुट एनी थिंग लाइक अ नेम ऑफ अ पर्सन और ही शी आई, एनी थिंग यू लाइक। ओके, लेट्स स्टार्ट। Dash likes soccer and cricket. So you can write, I like soccer and cricket. Dash were talking in the corridor. So were hai to plural hona chahiye. So hum likh sakte hain, they were talking in the corridor. After that, eat your food with a spoon or fork. You eat your food with spoon or a fork. Dash likes soccer. Dash likes, so we have to write name of something like Ravi likes soccer. After that, rides her bicycle to school. Her hai to name of a girl, rides hai isliye singular hona chahiye. So we can write Ria rides her bicycle to school. Sixth one, addresses the students tomorrow. Write down, principal addresses the students tomorrow. After that, are watching television. Are watching, children are watching television. 18, play in field. Play in field, so you can say kids play in the field. Kids play in the field. Ninth one, need soil, water and sunlight to grow. So you can say trees need soil, water and sunlight to grow. Tenth one, has some of my favorite stories. This book has some of my favorite stories. 11th one, have been good friends since school. So you can write Rahul and Rohit have been good friends since school. Now the 12th one, has a good collection of clothes. So you can write Danny. You can write, Danny has a good collection of clothes. Now, every sentence has a subject and predicate. The subject tells us who or what the sentence is about. The predicate tells us about something about the subject. So, जितने भी subject होते हैं, जितने भी sentence होते हैं, उसके अंदर एक subject होता है, मतलब वो चीज़ या वो person जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड देन देर इज प्रेडिकेट कि हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ आई एम टॉकिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, आई. किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में. और क्या बात हो रही है, कि मैं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग. तो ये हो गया प्रेडिकेट. नाउ लेट्स सी काइंड ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं. A subject can be a single word, a noun or pronoun. For example, Jesse laughed, Danny barked. तो एक subject होता है, वो single word का भी हो सकता है जो एक noun और pronoun हो. Noun you know, person, place or thing, and pronoun is also person, place or thing, बस indication. तो एक subject क्या हो सकता है, एक single word भी हो सकता है, जैसे कि Jesse laughed. यहाँ पे subject हमारा single word है, Jesse. डैनी बाग्ड, डैनी भौंक रहा है, डैनी कुत्ते का नाम है, तो डैनी भी सिंगल वर्ड है. तो ये हमारे सिंगल वर्ड के सब्जेक्ट हो गए. अ सब्जेक्ट कैन बी अ फ्रेज कंटेनिंग इन नाउन, आर्टिकल और मॉडिफायर. और सब्जेक्ट होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, जैसे हमारे एक फ्रेज भी हो सकता है. हमने फ्रेज के बारे में पहले पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल, All the students in the class. तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड है.
हम ऐसे नहीं कहेंगे ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स नहीं, सारे बच्चे जो क्लास में हैं, सारे बच्चे जो क्लास में हैं, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट पार्ट क्या है, वर मेकिंग नॉइस, वो शोर मचा रहे हैं, ये क्या है हमारा प्रेडिकेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द न्यू बॉर्न, द न्यू बॉय इन द क्लास, दैट न्यू बॉय इन द क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है दैट न्यू बॉय इन द क्लास, किसकी बात हो रही है, जो नया लड़का क्लास में है, ठीक है, जो नया लड़का क्लास में है उसकी बात हो रही है, वो सब्जेक्ट हो गया, इज़ वेरी इंटेलिजेंट प्रेडिकेट हो गया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। थर्टींथ वन, ए सब्जेक्ट कैन बी टू और मोर नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट मे बी जॉइंड बाई कंजक्शन सच एस एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड नाइदर और आइदर और एग्जाम्पल। सो जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारे नाउन वगैरह हैं, उन्हें वो एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना कि हम एक सेंटेंस में एक ही पर्सन की बात करें, क्या पता हमारे पास दो हो, कि वो और दो आप, वो ये लड़का और वो लड़का आपस में लड़ रहे थे, ये और लड़का वो लड़का आपस में खेल रहे थे, या वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो एक या एक से ज़्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, तीन चार भी हो सकते हैं हमारे सब्जेक्ट। और अगर उनको ज्वाइन करने के लिए हम ऐसे वर्ड यूज़ करें जैसे कि एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, नाइदर नोर आइदर और, ऐसे वर्ड लगा के हम उन्हें ज्वाइन करें तो हम उन्हें कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चॉकलेट एंड पिस्ता कुल्फी आर माई टू फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। अब आप यहाँ देखेंगे चॉकलेट अकेला उसका फेवरेट फ्लेवर नहीं है, ना पिस्ता कुल्फी, ये दोनों है, ये दोनों है। तो इसमें दो नाउन हो गए, इसके अंदर दो नाउन हो गए आपके। तो और हमने इसको किससे ज्वाइन कर रखा है, कंजक्शन से, एंड से ज्वाइन कर रखा है हमने। तो ये हमारे क्या होंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे कोई कंजक्शन यूज़ नहीं था और हम एक ही पर्सन की बात कर रहे थे, या हम दो दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं, द बोथ द प्लेयर्स एंड द ऑफिशियल्स वर हॉनर्ड फॉर देयर परफॉर्मेंस। अब सिर्फ प्लेयर्स को ऑनर नहीं किया गया है, ना सिर्फ ऑफिशियल को, दोनों को किया है, और उन्हें कंजक्शन यूज़ किया है बोथ एंड वाला, कौन सा, बोथ एंड वाला, बोथ द प्लेयर एंड द ऑफिशियल, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड सब्जेक्ट, और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रेडिकेट। When the sentence has two or more subject, we call the subject a compound subject. ये मैंने आपको बता दिया, अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इन डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब सब्जेक्ट हम अलग अलग सेंटेंस के अंदर देखेंगे। इन ए सेंटेंस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, अगर हम ऐसा देखें कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो देखते हैं, रोहित रोटा लेटर, रोहित रोटा लेटर, द पपी च्यूड अप द सॉक्स। तो इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट है वो कुछ काम कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ एक्शन कर रहा है, जैसे कि रोहित ने लेटर लिखा, रोहित हमारा सब्जेक्ट, उसने लेटर लिखा, उसका प्रेडिकेट। द पपी च्यूड अप द सॉक, तो जो पपी है उसने सॉक को चबा डाला, तो पपी ने चबा डाला, वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप के सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट वन इज द सब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं। ऊपर वाले में सब्जेक्ट वर्क कर रहा था, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं। लाइक द किटन इज नॉटी, पवन इज इंटेलिजेंट, जो किटन है वो नॉटी है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द किटन, और नॉटी है, हम उसके कैरेक्टर बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। पवन इज इंटेलिजेंट, पवन हमारा सब्जेक्ट और वो इंटेलिजेंट है, हम पवन की नेचर बता रहे हैं कि पवन कैसा है, पवन इंटेलिजेंट है, ओके। नाउ द थर्ड केस इज द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन फॉर एग्जाम्पल, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे, सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है या सब्जेक्ट के लिए कुछ हो रहा है, तो ठीक है, इसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है। तो हम देखेंगे द विक्टिम हैज टेकन टू हॉस्पिटल, जो विक्टिम है उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, क्या विक्टिम खुद हॉस्पिटल गया, नहीं, विक्टिम को ले जाया जा रहा है, ठीक है।
शी वॉज अटैक्ड बाय अ बियर. शी वॉज, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी. अब शी कुछ वर्क कर रही है, उसने बियर पे अटैक किया, उसने भालू पे अटैक किया, नहीं, तो भालू ने उस पे अटैक किया है, पर सब्जेक्ट हमारे क्या है, शी. ठीक है, तो ये तीन तरह के केसेस होते हैं. फर्स्ट केस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेकंड केस में सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, थर्ड केस में सब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क हो रहा है, सपोर्टिंग द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट को पहचाने कैसे, अब टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस वी शुड आइडेंटिफाई द वर्ब. सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें वर्ब पता होना चाहिए कि मतलब काम क्या हो रहा है. ठीक है, वंस द वर्ब इज आइडेंटिफाइड वी शुड आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन और हु और व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट. जैसे ही हमें वर्ब पता लग जाते हैं कि हो क्या रहा है सेंटेंस में, तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि कौन और क्या वर्क हो रहा है, कौन और क्या वर्क हो रहा है और किसके बारे में बात हो रही है, और किसके बारे में बात हो रही है. अगर आपको पता लग जाए कि सेंटेंस के अंदर किसकी बात हो रही है, स्विमिंग की बात हो रही है, तो आप सोचोगे कि स्विमिंग कर कौन रहा है यहाँ पे. ठीक है, अगर हमें वो पता लग जाए तो हमारा सब्जेक्ट पता लग जाएगा. लेट अस लर्न टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस. अब अलग अलग सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. अब देखते हैं उसकी हेल्प से हम सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं. इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजली अपीयर बिफोर द वर्ब. तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो फैक्ट बताते हैं हमारे सेंटेंस, उसके अंदर यूजली क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले आता है. लाइक द पपी बाइट द पोस्टमैन एंकल. तो इसमें ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, हमने बताया कि पपी ने पोस्टमैन को बाइट कर लिया. तो हमारा यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब हो क्या रहा है, बाइट करना. काम क्या हो रहा है, बाइट करना. कौन कर रहा है, पपी कर रहा है. कौन कर रहा है, पपी कर रहा है. तो जो पपी है हमारा सब्जेक्ट हो गया, और रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट. बाइट भी आएगा उसके अंदर प्रेडिकेट में. सेकेंड वन इज द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस. द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस, यहाँ पे वर्ब क्या है, जंप करना. काम क्या हो रहा है, जंप करना, और कौन कर रहा है, हॉर्स कर रहा है. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द हॉर्स. सब्जेक्ट क्या है, द हॉर्स, और रेस्ट ऑफ द पार्ट इंक्लूडिंग जम्प्ड क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद वन वर्ब द सब्जेक्ट यूजली अपीयर आफ्टर द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है मोस्टली वर्ब के बाद आता है. एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर इज द पपी. वेयर इज द पपी, पपी कहाँ है, पपी कहाँ है. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारा वर्ब क्या है, इज की होना. यही पूछा है ना कि कहाँ है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, तो है का मतलब क्या होता है, इज. इसके बाद क्या आ रहा है, हमारा द पपी. और वैसे आप देख सकते हैं वेयर इज द पपी, हम बात किसकी कर रहे हैं, पपी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे है. तो हमारा सब्जेक्ट सीधी सी बात है कि क्या होगा, पपी. सेकेंड वन इज वेयर इज योर फेवरेट कलर. अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट विच हो सकता है, नहीं हो सकता, हम तो बात किसकी कर रहे हैं, अपने फेवरेट कलर की बात कर रहे हैं. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी पार्ट प्रेडिकेट. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद टू वर्ब, अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब, द सब्जेक्ट अपीयर्स बिटवीन द टू वर्ब. अब कुछ ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर दो वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है. जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, हमारा प्ले, और हेल्पिंग वर्ब डू. तो इन दोनों के बीच में जो आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे कि यू. अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, हैज शी टेकन अ डिसीजन. यहाँ हमारा मेन वर्ब क्या है, टेकन. मेन वर्ब क्या है, टेकन, और हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज. तो आपको पता होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, बीन, डू, डज, डिड, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. और इन दोनों के बीच में जो आया है वो है शी, और वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट. थर्ड वन, इम्पेरेटिव सेंटेंस.
In imperative sentence, the subject you is implied. For example, you come here. You clean your room. Imperative sentence के अंदर क्या होता है, जो you शब्द होता है वो ज़्यादातर आपके subject होता है. Imperative sentence कौन सी होती है जिसमें हम किसी को दूसरे को work करने को कहते हैं, advice देके, command करके या फिर request करके. तो mostly हम किसी और को कहते हैं, तो वो person क्या हो जाएगा, हमारा subject और rest of the part predicate. Next one is exclamatory sentence. In exclamatory sentence, the subject generally comes before the verb. तो exclamatory sentence होते हैं वो almost declarative sentence जैसे ही होते हैं, पर उसके अंदर emotion होता है. तो उसके अंदर क्या होगा, verb से जो पहले आएगा वो हमारा subject होगा. Example, how beautiful the garden is. हमारा verb क्या है, is. Beautiful कोई verb नहीं होता, beautiful character होता है. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द गार्डन. सब्जेक्ट क्या हो गया, द गार्डन. आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, किसके बारे में बात हो रही है, गार्डन के बारे में. सेकेंड वन, हाउ लवली दीज रोजेज आर. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, रोजेज. हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रोजेज, और वो आर से पहले आ रहा है. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. आप इस तरह सब्जेक्ट फाइंड कर सकते हो सेंटेंस के अंदर. तो go through it again, read it again, you can understand it well. Complete the warm-up part, so we can do the exercise in the next video. So thank you and have a nice day.